नमस्कार दोस्तों, जीके रफ्तार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल एक एसआई भर्ती को लेकर नोटिस वायरल हुआ था, जिसके अंदर एसआई का जो एग्जाम है वो फिर से करवाने के बारे में उसके अंदर लिखा गया था। वो नोटिस आप सभी जानते हैं कि पूरी तरह से फेक था, उसको किसी तरह से वेरीफाई करवाने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन किसी बड़े यूट्यूबर ने इसको चेयरमैन साहब के पास भेजा। मैं आपको सामने नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सभी समझ गए होंगे कि किसने भेजा था। चेयरमैन साहब के पास भेजा कि इसको चेक किया जाए, उन्होंने उसे फेक बताया। तो उसे वैसे तो चेयरमैन के पास भेजने की या उसको कहीं से वेरीफाई कराने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर जो 8 तारीख दी गई थी 2022 की, उस दिन वैसे शनिवार है और उसके अंदर रविवार लिखा गया था। उस पर ऊपर की जो टाइटल है उसे भी चेंज नहीं किया गया था, वहां पर एग्जाम डेट चेंज के बारे में लिखा हुआ था। तो उसको कहीं से भी वेरीफाई कराने की आवश्यकता नहीं, वो टोटली फेक आप सभी को दिखाई दे रहा था, ना ही वो ऑफिशियल वेबसाइट पर था, फिर भी उसे वेरीफाई करवाया गया। और अब वेरीफाई होने के बाद एचएससी चेयरमैन ने इस पर एक्शन लेना भी स्टार्ट कर दिया है। यह नोटिस चेयरमैन साहब के पास पहुंचने के बाद अब इस पर एक्शन भी लिया जाएगा और इसकी जांच की जाएगी कि इसे किसने वायरल किया था और किसने एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस प्रकार अब चेयरमैन भी बोल रहे हैं कि रोक दे मित्र, दिक्कत हो रही है। चेयरमैन साहब को भी इससे दिक्कत हुई है, अब उसे वो रोकने की कह रहे हैं, और अब दिक्कत जिसने इसे वायरल किया है उसको भी हो सकती है। वैसे चेयरमैन साहब को जिन मुद्दों की जांच होनी चाहिए उनकी तो करवाई नहीं जा रही है, लेकिन जो ऐसे मामूली से मुद्दे होते हैं इनकी वो जांच करवाएंगे। इससे एक बात ये भी साबित होती है कि जिस ग्रुप को पहले एसआई कैंसल गैंग माना जाता था, उसकी सारी रिपोर्ट एचएससी तक पहुंच रही है। मेरी चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि इन छोटे छोटे मामलों की जांच की बजाय आप उन मामलों की जांच कराएं जिनकी करवाना बहुत जरूरी है। जो ओएमआर सीट खाली छोड़ी गई थी उन्हीं की अब तक जांच कहां तक पहुंची है, इसके बारे में भी एचएससी चेयरमैन साहब को जवाब देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में ये छोटी सी जानकारी थी। इससे पहले कि आप कमेंट करो कि रोक दे मित्र, उससे पहले ही मैं इस वीडियो को यही रोक भी देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।